as the recent trends have changed. For that, our resource person, Mr. Pravinder Bansal, will be enlightening us what kind of changes, what kind of amendments, and what kind of role we as scholars and teachers can do while we emanate education from our respective institutions. I welcome you, sir. Mr. Ravinder Pansal is an advocate par excellence. He has been practicing since 2016. He is from मैंने अभी एक प्रो बोनो केस किया है जुबिनाइल कोर्ट का। जुबिनाइल में
बच्चे को क्या हुआ था? He has arrested from railway track in Anand Vihar railway station on the tracks. तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के बिठा दिया, कुछ लड़के पकड़े हुए थे उनके साथ बिठा दिया और कहा तूने चोरी के लिए लिखो. वो कहता नहीं कर मारा और लिख कि यू हैव डन दिस एंड इतना मटेरियल आपने चुराया उसके नाम से. उन्होंने लिख दिया केस. किसी के पास गया, उसने बेल के लिए कहा, बेल नहीं मिली, उसने बहुत पैसे मांगे. वो मेरे पास आया, कहती है सर ये करना है. मैंने कहा ठीक है, फीस नहीं है. मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं फीस नहीं लूँगा आपसे, बेल करा दूँगा. कहती ठीक है. देन वी गो टू 30,000 गोल्ड. उसको 30 जुमिनाई था बच्चा, उसको उन्होंने बंद कर दिया तिहाड़ के, पिटाई वगैरह करी तिहाड़ में बंद कर दिया. जज को ये कहा कि जज साहब ये 22 साल का है. मैंने कोर्ट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी, प्लीज कॉल द स्कूल रिकॉर्ड. वो 8th पास था, स्कूल रिकॉर्ड ढूंढा. जज साहब ने कहा ओके ठीक है, आई यू समन एंड स्कूल रिकॉर्ड रिकॉर्ड विल बी कॉल्ड. जब स्कूल रिकॉर्ड आया तो उसकी उम्र थी 17 साल समथिंग, 17 years some months. ऑन दैट ग्राउंड बेल वॉज ग्रांटेड एंड द केस हैज बीन ट्रांसफर टू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किंग्सवे कैंट. सो जब वहाँ गए हम तो हमने कहा कि गलती मान लो. वो कहते हैं पुलिस वाले गलती मान लो, फाइन दे दो, देन वी लेट यू, हम आपको छोड़ दें. तो मैंने कहा नहीं, जस्टिस बोर्ड को हमने कहा नहीं, हम इसका केस कंटेस्ट करेंगे. अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंटेस्ट किया केस हमने, तो जज साहब को खुद मानना पड़ा कि लड़का बेकसूर था, पुलिस ने जान के फंसाया है और उसको बाउंड अप कर दिया, ख़त्म कर दिया केस. तो ये चीज़ होती है, वो हमने किस पर किया, प्रो बोनो. अब अगर वो बच्चा या उसकी मदर कहीं जाएगी तो वो ये कहेगी कि इस एडवोकेट ने काम कराया है तो मेरे से फीस भी नहीं ली. तो हमारा मार्केट में क्या होता है, नाम होता है. और एडवोकेट वो अच्छा है जिसका नाम मार्केट में है, जो मार्केट में काम कर सके. मेन गोल इज टू डेवलप सोशली कॉन्शियस. आपको सोशली कॉन्शियस करना है बच्चों को. ये देखना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता हो कि मार्केट में अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो आप उस पर अपनी आवाज उठा सको. ये नहीं कि यार इसके साथ गलत हो रहा है, चुपचाप बैठो यार, मेरे पास क्या है, मेरा क्या जा रहा है. नहीं, यू हैव टू. एडवोकेट का काम ही यही है कि अगर गलत देख रहे हो तो उसके बारे में बोलो, उसके बारे में आप कहिए. जस्ट इंटेलेक्चुअली कैपेबल लीगल प्रैक्टिशनर आउट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को हमें बताना है कि आप क्या कर रहे हैं. मैनी लॉ स्कूल्स नाउ रिक्वायर क्लाइंट काउंसलिंग. अब आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं फैकल्टीज के जो हैं, आई थिंक सारे लॉ के हैं फैकल्टीज, एक कैरियर क्लाइंट काउंसलिंग का सेमिनार कर सकते हैं जिसमें आप कैरियर काउंसलिंग उनके लिए, क्लाइंट काउंसलिंग आप उनको एक को क्लाइंट बनाइए, स्टूडेंट्स को तीन दो एडवोकेट्स बिठाइए, स्टूडेंट्स जो दूसरे सीनियर उसके हों सेमेस्टर के, जो छोटे सेमेस्टर के कम सेमेस्टर के बच्चे हों जैसे सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, DILLB 10th सेमेस्टर होता है हमारा, उनको आप कहिए कि आप इनको काउंसलिंग क्लाइंट काउंसलिंग कैसे करें. क्योंकि क्लाइंट की काउंसलिंग नहीं कर सकते तो आप बच्चा एडवोकेट के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसको समझा नहीं सकता उसके केस के बारे में. अगर उसके केस के बारे में समझाएगा कि तुम्हारे मेरिट्स क्या हैं, डी मेरिट्स क्या हैं. मैनी लॉ स्कूल्स नाउ रिक्वायर स्टूडेंट्स टू टेक क्लाइंट काउंसलिंग, मीडिएशन कैसे होना है एंड कॉन्सिलिएशन कोर्सेस. आपको मीडिएशन, अब मीडिएशन का क्या काम है आप बता सकते हैं? मीडिएटर क्या करता है, वो क्या होता है, जज होता है या एडवोकेट होता है? एनीबडी कैन टेल मी, आप बताइए. नहीं कोई बात नहीं, एडवोकेट पर ही डिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू मेजर
एक्चुअली ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, ही इज एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, पर उसने मीडिएशन का कोर्स कर रखा है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के या दिल्ली सरकार या दिल्ली हाई कोर्ट मीडिएशन के कोर्सेज चलाती है कि आप उसमें मीडिएटर, रजिस्टर्ड मीडिएटर हो। मैं उसमें मीडिएशन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट गो, आई एम एडवोकेट बट आई कैन नॉट गो, ही इज ए रजिस्टर्ड मीडिएटर। मीडिएटर मीन्स उसको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आई थिंक 6 मंथ 6 वीक्स ऐसे उनकी ट्रेनिंग्स होती है, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट आपको देती है मीडिएटर का सर्टिफिकेट दैट यू आर ए ट्रेन मीडिएटर। नाउ मीडिएटर का काम क्या है, वो केस लड़ेगा आपने, ये नहीं कि उसके पास फाउंडेशन नहीं है कि वो अपना केस नहीं लड़ सकता है वो अपना केस, पर वहाँ जब वो मीडिएटर बैठेगा तो उसको दोनों पक्षों को, बोथ पार्टीज को सुनना। अब हो सकता है उसका कोई फ्रेंड ले रहा हो इस पार्टी का और दूसरी पार्टी का कोई और हो, अब पर वहाँ पर वो ये नहीं देखेगा कि मैं इसका फ्रेंड हूँ तो मैं इसके पक्ष में बोलूँ, तो ही हैज टू बी न्यूट्रल। अब मेरे पास एक आया केस मैट्रिमोनियल, उसमें हस्बैंड वाइफ का आपस में डिस्प्यूट था मेंटेनेंस पर, मैं केस लड़ रहा उसका वाइफ की तरफ से और उनका था लड़के की तरफ से, और था तो हम दोनों के मीडिएटर कोर्ट, क्योंकि मैट्रिमोनियल केस में क्या होता है सबसे पहले कोर्ट भेज देती है आपको मीडिएशन, जब मीडिएशन में भेज दिया तो अब हमने मीडिएटर के सामने रखा, वो उसने उनको बाहर भेज दिया क्योंकि जब वो आपकी बात सुनेगा तो दूसरी पार्टी को बाहर भेजेगा, तो उसने उनको बाहर भेज दिया, हमसे सुना, हमने उनको बताया कि सर प्रॉब्लम ये है ये है, फिर उसने हमें बाहर भेज दिया, उनको बुलाया दिया, फिर दोनों को बिठा कर बताया कि अब आप कहाँ काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अब हम मांग रहे हैं 25 लाख, वो कहते हैं मैं तो 1 लाख दूंगा। तो मीडिएटर को क्या करना है, मीडिएटर को आपस में रोकना है कि दोनों को समझाना है, अगर मीडिएशन एप्लीकेबल हो जाती है तो देन ही हैज टू गिव द ऑर्डर, और उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि मीडिएशन का ऑर्डर भी, तो कभी कभी एडवोकेट के ही कह रहे थे अरे मीडिएशन का ऑर्डर है हम चैलेंज कर देंगे, द ऑर्डर ऑफ द मीडिएशन कैन नॉट बी चैलेंज इन हाई कोर्ट, कैन नॉट बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, बट इन स्पेशल केस अगर उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन निकलता है तब हम जा सकते हैं, बट आपको वो रीज़न देना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है, क्यों आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हो मीडिएशन के हेड्स में, क्योंकि ये ऑर्डर एप्लीकेबल है आपको भी मानना पड़ेगा, नहीं तो जो ऑर्डर उन्होंने रिवर्स ऑर्डर किया है वो आपको मानना पड़ेगा, दोनों में से एक ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने मीडिएशन नहीं माना, मान लो मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे मीडिएशन ऑर्डर नहीं, तो हम मीडिएशन भी कह सकते हैं ऑर्डर मत कीजिए, मैं इस मीडिएशन फेल हो जाए देन यू कैन गो अगेन इन द कोर्ट, बट अगर मीडिएशन सक्सेसफुल हो गई तब आप उसको नहीं कर सकते। अब हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी कुछ थीम रखे हुए हैं कि आप बच्चों के साथ किस तरीके से उनको कराओगे, किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करोगे, मूड कोर्ट में क्या होता है कि मूड कोर्ट आप कैसे कराओगे, ये चीज़ें बच्चों को गाइड करनी होती हैं कि हमने बच्चों को गाइड करना है। ई डिस्कवरी एंड लीगल रिसर्च, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, आप बच्चों को रिसर्च का नहीं पता कि हमें रिसर्च कह देते हैं रिसर्च करेंगे हम, तो रिसर्च में आप किस तरीके की रिसर्च करवाएंगे, आप मुझे ये बताइए कि किस टाइप की रिसर्च अभी तक आपने करवाई है बच्चों से, लिटरेचर रिव्यू और इसमें आप एक लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो पुराना केस होता है, अब इस केस पर कौन सी जजमेंट्स आई हैं, आप उनको कहिए कि आप जजमेंट्स ढूंढिए, जैसे मैट्रिमोनियल केस है 125
जी सर, मेंटेनेंस। अब आपको पता है, स्टूडेंट्स को आप बताएंगे कि 125 मेंटेनेंस है। अब मेंटेनेंस किस किस प्रोविजन में मिल सकती है? एक तो 125 का केस आप डाल सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, एक आप जा सकते हो डाइवोर्स में, सेक्शन 24। सेक्शन 24 में आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 13 आप जा सकते हो डीवी एक्ट में, डीवी एक्ट में आप सेक्शन 13 में आप जा सकते हो मेंटेनेंस के लिए। अब जहां पर आपको मेंटेनेंस हायर मिल रहा है आप उसमें अप्लाई होगा, और जहां कम हो रहा है वो ऑटोमेटिकली देखेगी आपको। मान लीजिए मेंटेनेंस मिल रहा है 15,000 125 में, और दूसरी कोर्ट आपकी सेक्शन 24 में 5,000 लगा रही है, तो आपका 15,000 पहले। अब अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता, मान लीजिए मेंटेनेंस नहीं देता, कहता है मैं नहीं दे रहा थी, तो आपको क्या करना होगा, आप कैसे क्लेम करेंगे? कोर्ट को ये कहेंगे जी ये मेंटेनेंस नहीं दे रहा, कोर्ट कहेगी ठीक है आप आगे केस लड़ो। तो हमें केस डालना पड़ता है एग्जीक्यूशन पर, हमें केस डालना पड़ता है एग्जीक्यूशन पर। एग्जीक्यूशन हमें बनाकर कि उसका मेंटेनेंस कहाँ से कितना पड़ रहा है, कितना बना है, उस मेंटेनेंस का हम एग्जीक्यूशन डालेंगे। तो उसका लमसम जैसे 20 लाख बन गया, 2020 से केस चल रहा है और आज तक का 20 लाख बन गया उसका, तो 20 लाख को कैसे देगा? तो कोर्ट उसको उस पर आपसे बहस नहीं करेगी, कोर्ट सीधा उसको डायरेक्ट करेगी कि मेंटेनेंस दीजिए नहीं तो जेल, क्योंकि वैसे वो क्लाइंट डरता ही नहीं है। अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो वो डरता ही नहीं है जब तक उसके पास हम डाइवोर्स में FIR ना करें, डाइवोर्स कह रहा हूँ सॉरी DB Act में 498A में हम उसके खिलाफ FIR ना करें। अगर FIR हो गई तो वो अपोजिट पार्टी का जो बंदा है जिसके ऊपर केस है वो डरेगा, हस्बैंड डरेगा, देन वो अपने आप या तो मेंटेनेंस देगा या गलती मान के समझौता करेगा। और आजकल ये चलता है 377, जनरली 377 सेक्शन भी करवा दिया जाता है 498 के साथ। अब कोई बता सकता है 377 होता क्या है? अब देखिए इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता कोई। अगर मेरी क्लाइंट ने 377 अपने हस्बैंड के खिलाफ लगा दिया तो कोर्ट ये कहेगी आपकी लाइबिलिटी बनती है, यू हैव टू प्रूव इट, वेदर हाउ कैन यू प्रूव दिस इज अननेचुरल ऑफेंसेस, अननेचुरल सेक्स कैसे हुआ? पर उसके लिए हमने स्पीड लिख दी रिसर्च करके, ये इसने ये किया वो किया, तो हमने लिख दिया बहुत कुछ। पर कोर्ट में लड़की की लाइबिलिटी ये होती है कि वो प्रूव करे, पर उससे पहले कोर्ट ऑर्डर कर देगी FIR, पुलिस उसके खिलाफ 377 में FIR कर देगी, जिस पर बेल मिलनी बहुत मुश्किल है। जनरली केसेस आप देखिए, हम तो प्रैक्टिसिंग हैं, हम तो देखते हैं कि 498A आता है उसके साथ 377 लगी होती है, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो बट वो लगा देते हैं, और 377 में FIR पुलिस को करनी ही पड़ेगी। अब FIR हो गई तो उसको बेल लेनी पड़ेगी, अब जब बेल लेनी पड़ेगी तो एडवोकेट को भी पैसा मिलेगा, एडवोकेट को फीस भी मिलेगी और बेल बोर्ड भी लेगा, तो बाउंड हो गया कि भाई मैं अब कोर्ट से भाग के नहीं आ सकता, या तो समझौता करूं या पैसे दूं इसको। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इसी पर आप रिसर्च करवा सकते हो बच्चों से। सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे जजमेंट्स आए हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो आप उसमें बच्चों को ये कहिए कि इस पर रिसर्च करें। मेरे पास मुझे याद नहीं रहा AIR वॉल्यूम्स हैं, वो AIR वॉल्यूम्स हैं वो देखिए, उनमें से बच्चों को कहिए कि सर्च करें। अगर उसको वो केस सर्च करना आ गया तो आपकी ई सर्च जो होती है या आपने जो उसको रिसर्च वर्क करना है तो आपका रिसर्च वर्क सफल, बच्चे नहीं कर पाते। आप वो चाहते हैं मुझे पका पकाया भोजन मिले फटाफट, आपने अगर उसको भूख कोर्ट में कोई बना दिया, वो किसी एडवोकेट के पास जाएगा सर इस पर ना वो बना दो पूरा और जो पैसे लेने गए थे मुझे कर दो ताकि मैं इस पर जाकर बोल सकूं। हमने देखा भूख कोर्ट में बच्चे आते हैं, कुछ तो बहुत प्रिपेयर करके आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं सर प्यार कर दो, मेरे पास भी आते हैं सर हमारी फाइल बनानी है
जल्दी से ये तैयार कर दो ताकि हम इसको क्या क्या बोलते हैं पॉइंट्स लिख दो, आप अपनी फीस ले लो जो फीस है और तैयार करके कोर्ट चले जाए। वहाँ पर बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, टीचर्स से एक कदम आगे निकलते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं हम तो यहाँ पर हैं, वो कहते हैं नहीं जी तुम कहाँ हो, हम तो उससे आगे हैं। तो इसलिए मैंने भी देखा है कि स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, तो उनको रिसर्च वर्क के लिए आप ई डिस्कवरी एंड लीगल रिसर्च विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिजिटल डाटा उनको दीजिए। टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनको काम कराइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतना बर्निंग टॉपिक है, उस पर आप उनको कहिए रिसर्च करें। डॉक्यूमेंट रिव्यूज, अब कोई डॉक्यूमेंट आपके पास बन के आता है, आप उसको रिव्यू करो, कैसे रिव्यू करो, इस डॉक्यूमेंट को में क्या गलती है। मैं एक केस देता हूँ, अब आप ढूंढिए कि आपने अपने क्लाइंट को बचाना है इस केस में कैसे बचाओगे। मेरे पास एक केस आया, आपको मैं बताता हूँ, पुलिस ने लड़के को 379 411 34 में पकड़ लिया। 379 हो गया चोरी, 411 हो गया उसके रिकवरी और 34 कॉमन इंटेंशन, मोर देन 1%, दो बंदे होंगे तो 34 लगेगी लगेगी। अब जब पकड़ा गया तो बेल के लिए मेरे पास आया मैटर कड़कड़ूमा कोर्ट में। उसके फादर ने कहा वकील साहब बेल कराओ, मैंने कहा ठीक है मुझे दिखाओ, FIR पड़ी, मैंने कहा भाई चोरी करी है, कहता नहीं जी ये था सारे यही करे। हमने बेल एप्लीकेशन बनाई, उसमें हमने लिखा हमारे क्लाइंट को पता है ये चोर है, इसने किया है काम, पर हमने लिखना पड़ता है कि ये इनोसेंट है, पीस लविंग सिटीजन है, इसको फंसाया गया है, ये चीज़ें बेल एप्लीकेशन में जाएंगी। अब हमने बेल एप्लीकेशन लगाई, जज साहब ने कहा कि आप ये बेल एप्लीकेशन लगा रहे हो वकील साहब, तो बताइए ये तो इसने तो किया, रिकवरी हुई है। मैंने कहा जनाब ये इनोसेंट था, इसको फंसाया गया। कहते ठीक है मैं ना पुलिस रिपोर्ट मंगा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन की डेट मिली, अभी पुलिस ने रिपोर्ट भेजी। अब पुलिस ने रिपोर्ट भेजी तो मैंने पुलिस रिपोर्ट पढ़ी, क्योंकि मेरे पास आई पुलिस रिपोर्ट, मैंने जज साहब को कहा कि जनाब मुझे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दो, उन्होंने कहा उनको दीजिए वकील साहब। मैंने पढ़ी, मैंने एक पॉइंट ढूंढा उसमें, अब रिव्यू वाली बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट ढूंढा जिसमें लिखा था पुलिस ने एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ही इज ए जुबिलेंट। मैंने उसी को अंडरलाइन किया, ये टॉपिक जो पॉइंट है दिस इज द मेन पॉइंट फॉर बेल। अब जब मैंने बेल के लिए जज साहब के सामने रिपोर्ट मैंने बात करी, जज साहब कहते हैं हाँ जी वकील साहब बताइए क्या पॉइंट। मैं कहा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, पहला तो वही है कि इनोसेंट है इसको बसाया गया, दूसरा पॉइंट यह है कि ही इज एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ही इज जुबिलेंट। एक तो जज साहब हु टोल्ड यू, जनाब आई यू रिपोर्ट टोल्ड मी, आप पुलिस रिपोर्ट दी थी फटाफट पुलिस रिपोर्ट। मैंने कहा पुलिस रिपोर्ट टोल्ड मी, मैंने अपनी तरफ से तो बनाया नहीं, पुलिस रिपोर्ट ने लिखा है। कहते ओके रिपोर्ट देखी, कॉल आई यू समन्स हुआ। अब आईओ का समन हो गया, अगली बार लड़के का फादर आया मेरे पास, कहते हैं वकील साहब बताओ आईओ तो करेगा। मैं कहता हूँ चिंता मत कर रख अपने पास। जब आईओ आया मैंने कहा निकाल और इसकी जेब में डाल फटा, अब ये वो बोलेगा जो हम बोलेंगे। अब आईओ आए, मैं बोलने लगा, जज साहब कहते हैं वकील साहब आप बताओ, आईओ बोले आईओ पूछते हैं हाँ जी, आईओ कहते हैं एट द टाइम ऑफ अरेस्ट इज जुबिलेंट, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट इज जुबिलेंट, तो आपने क्यों भेजा फिर से त्यौहार। कहता जनाब एज जो थी बढ़ गई है तो हमने बेल, ओके जी बेल ग्रहण। बाहर आया कहते जी बेल ग्रहण। मैंने कहा बेटा एक बेल हुई है पर ये ध्यान रखियो अभी तेरे पर एक केस और है, पर थाने जैसे ही तू जेल जाएगा पुलिस वाले तेरे पास आएंगे साइन करा के मत कर। कहते ठीक है सर। अब वो त्यौहार ले गए, शाम को पुलिस वाला उसके पास पहुंच गया, बेटा यहाँ तेरी बेल हो गई है साइन कर दे। उसके साथ वो एक यूज था उसने साइन कर दिए, इसने कहा मैं अपने वकील साहब से पूछूंगा तब से। जब अगले दिन ये दूसरे केस में भी यही पॉइंट वही था मेरा कि इसे जुबिलेंट, जब हमने पॉइंट रखा तो जज साहब के पास आया, दूसरे लड़के पर 11 केस हो गए जेल के अंदर ही जिस पर वो अवेलेबल ही था, मतलब जेल में बैठा है बाइक चोरी होगी वो केस पर चोरी ज
जेल में बैठा हुआ, चोरी होगी वो केस के ऊपर, इसके ऊपर सिर्फ दो केस, उसके ऊपर 11 केस। अब जज साहब ने पूछा हाँ जी इसमें आर्गुमेंट, मैं कहा सेम चीज जो मैंने कहा बेल ग्रांट हो, बेल हो। अब ये चीज हमारा रिव्यू करने वाला पॉइंट ये होता है कि आप उस केस को कितने सीरियसली लेते हैं। पुलिस रिपोर्ट को आप ये मत सोचिए अरे यार पुलिस ने तो रिपोर्ट देनी है ये ठीक है इसने तो लिखना चोरी है, पर रीजंस क्या है, रीजंस क्या लिखे हैं। तो वो बच्चे जो है उनके माइंड में ये चीजें बैठी, अगर आपने रीजन नहीं समझाए, रीजन बच्चों को नहीं बताया कि ये एक केस पकड़ लीजिए, कोई सा भी केस पकड़ लीजिए, कोई सी भी FIR निकाल लीजिए, बच्चे को कहिए कि ये ढूंढे इसको बेल किस केस कैसे मिली है, कौन से पॉइंट पर मिली है, व्हेन दे विल सी दिस थिंग, तो बच्चों को पता लग जाएगा कि हमें केस की स्टडी कैसे। क्योंकि देखिए जो भी केस की स्टडी है वो आपकी FIR है, केस जो बनेगा चार्जशीट। अच्छा अब दूसरी चीज आती है चार्जशीट, चार्जशीट में बच्चों को ये नहीं पता, हम टीचर्स को भी नहीं पता होता कि चार्जशीट में क्या क्या होता है। आपको पता है चार्जशीट में वो क्या क्या चीजें लिख के देते हैं, कोई बता सकता है? हाँ ठीक है, फाइंडिंग्स होती है, उसके साथ सारी रिपोर्ट होती है, जब उसे अरेस्ट किया है, रेस्ट के बाद उसका जो कहते हैं जो उससे बरामद किया गया, वो सारी इतनी मोटी बना देते हैं चार्जशीट। FIR तो हमारी दो पेज की होती है, चार्जशीट जो होगी वो 50 पेज, 40 पेज, 20 पेज, और अगर आपके किसी क्लाइंट पर 302 का, 376 का लगा तो उसकी इतनी मोटी चार्जशीट। पहले हम सोचते थे चार्जशीट में होता क्या है, चार्जशीट में कुछ भी नहीं होता, पर चार्जशीट में ये टॉपिक्स है बच्चों को नहीं पता। आप जब हम भी प्रैक्टिस में आए थे तो हमें भी ये था कि चार्जशीट में क्या है या चार्जशीट क्या होती है, जब हमारे सामने आई चार्जशीट तो हमने देखा इसमें तो इतनी मोटी चार्जशीट है, वो सारी पढ़नी पड़ेगी तब आपको पता चलेगा केस में क्या निकलता है, केस किस नक्शा बना होता है कि आप यहाँ से आ रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे किया था, आपने चोरी का वक्त क्या था, आपसे बरामदगी क्या हुई, आपको जमानत मिली तो किस बेस पर मिली, ये सारी चीज़ें चार्जशीट में होती है। और आप एक सैंपल चार्जशीट अगर मेरे से मांगेंगे मैं आपको एक दे दूंगा, आप बच्चों को उसकी स्टडी करवाएंगे, बच्चों को चार्जशीट की स्टडी कराएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी, कोर्ट में प्रैक्टिस में बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी, जो हम लॉ स्कूल वाले ध्यान ही नहीं देते, जो हम नहीं देते। अब बच्चों को आप मानोगे नहीं कि बच्चों को कोर्ट में सर्टिफाई के फॉर्म्स भरने नहीं आते, बच्चों को फॉर्म्स भरने नहीं आते। मेरे पास एक बच्चा आया कहता सर कौन से कॉलेज का था, किसी कॉलेज का था इधर ही IIT यूनिवर्सिटी का, कहता सर ये फॉर्म कैसे भरना है, आप मेरे से पैसे ले लो फॉर्म भर दो मुझे, मैं ताकि अपने सीनियर को दे सकूँ, सीनियर ने मेरे को ये काम किया है कि सर्टिफाइड हो गए। मैंने कहा बेटा तुम आता नहीं है तो तुम अपने सीनियर से पूछो, कहते हैं ना उसको ये कहना है कि ये भर के लगा तब मैं तुझे सैलरी दूंगा, तब मुझे पता चलेगा तू करता है, सीखने के लिए तो फिर कोई सैलरी नहीं है, सीखने के लिए तो फिर यही काम कर जा किसी के साथ, सीनियर के साथ तू नहीं सीख सकता, तुम वो सिखाएंगे नहीं। अगर आप किसी भी सीनियर के पास इंटर्नशिप कर ले तब भी वो नहीं सिखाएगा कि आपको सर्टिफिकेट कैसे भरना है, उसके फॉर्म्स होते हैं, आप मेरे से ले लेना वो फॉर्म्स के सैंपल ले लेना मेरे से, वो बच्चों को सिखाओगा कि फॉर्म्स भरते कैसे हैं, सर्टिफाइड का फॉर्म कैसे भरते हैं, क्योंकि ये हमारे एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, ये कोर्ट में यही पूछा जाएगा आपको, बच्चों को यही पूछा जाएगा कि सर्टिफिकेट भरो 2 रुपये की टिकट क्यों लगती है। अब बच्चा कहता है 2 रुपये की डाकखाने से टिकट खरीदी लगा दी, 2 रुपये की मिली 500 रुपये की, नहीं वो कोर्ट फी होती है जो कोर्ट को हमने पे कर दिया। तो बच्चों ने मैंने उसको कहा देख मैं तुम्हें सिखाता हूँ आगे से तुम खुद बता, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें भर के बताता हूँ कि ये ऐसे ऐसे भरना है, और फिर हमें अलाउड कराना पड़ता है जज साहब से, जज साहब 2 कॉपी बनानी पड़ती हैं उसकी, 2 कॉपी बनाने के बाद जज साहब अलाउड करते हैं अगर केस प्रोसेस में है, अगर केस खत्म हो चुका है तो हमें ऑटोमेटिकली हम सर्टिफाइड के लिए जा सकते हैं, बट अगर केस इन प्रोसेस है चल रहा है तो आपको जज साहब से अलाउड कराना पड़ेगा, जज साहब उस पर लिखेंगे अलाउड अकॉर्डिंग टू रूल्स। आप जब भी देखो सर्टिफाइड कोई कॉपी होती है तो आप अलाउड कराने जाओ तो जज साहब साइन करते हैं,
उसके नीचे एडवा जो उनका वो होता है लीडर वो लिख देता है अलाउड अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो रूल कह रहे हैं उनके साथ अकॉर्ड। अब सर्टिफाइड की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? अब सर्टिफाइड की जरूरत बच्चों को नहीं पता कि सर्टिफाइड की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। सर्टिफाइड की जरूरत पड़ती है जब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट किसी दूसरी कोर्ट में देना है उसके अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट निकला है, अब इसके जजमेंट जो मिली है हमें या जो ऑर्डर हुआ है उसको कंप्लाई किया है कि नहीं किया दूसरे पार्टी, अगर नहीं किया तो आप उसी सर्टिफाइड की कॉपी लगाकर आप दूसरी कोर्ट में कह सकते हैं कि ये कंप्लाई नहीं किया, इस पर कॉस्ट लगाई। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे लॉ स्कूल्स में बच्चों को नहीं बताई जाती क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता कि बच्चों को ये बताने के लिए, बच्चों को ये बताने के लिए समय नहीं होता। तो इसलिए आप अगर कोई सेमिनार ऐसा अरेंज करें जिसमें बच्चों को हम ये फॉर्म्स दें और बच्चों को भरवाएं कि आप ये फॉर्म्स रखो और ये फॉर्म भरो, चेक कराओ इस पर क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के सर्टिफाइड का फॉर्म है, उसमें वकालतनामा होता है, वकालतनामा नहीं भरना आता बच्चों को, कितने की स्टैम्प लगती है ये भी पता, उसके बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म्स होते हैं। अब अगर आपके पास वकालतनामा नहीं है तो आप कैसे कोर्ट में रिप्रेजेंट, उसको बिना वकालतनामा कोर्ट सुनेगी नहीं आपको, तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कोर्ट। तो हम एक मेंबर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देंगे कोर्ट को, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस देंगे, वो जज साहब को देंगे, जज साहब उस पर अलाउड करेंगे तो वो वकालतनामा की जगह एक दिन की पेशी के लिए आपका लग जाएगा। अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो जज साहब के सामने खड़े नहीं हो सकते। अभी कल परसों की फैमिली कोर्ट में केस था तो एक एडवोकेट खड़ी हो गई, लड़की थी, वो कहती है कि सर मैं इस केस की एडवोकेट, वो कहते हैं मैडम आप पहले वकालतनामा तो दीजिए, नहीं सर मैं एडवोकेट, यदि वकालतनामा तो भरना नहीं आता उसको देगी कहाँ से, वो कहती है कि सर मैं अभी करूँ, कहते हैं मैडम उस पर टिकट लगती है, टिकट लगाओ, क्लाइंट आपके सामने है, भरो और मुझे पकड़ा दो, कितना टाइम लगता है, क्लाइंट से साइन करो, अपने साइन करो, नाम लिखो, दे पता ही नहीं क्योंकि उसने देखा ही नहीं, भरा ही नहीं कभी। अब वो किसी एडवोकेट के पास जाएगी, पूछेगी, किसी से सलाह लेगी कि कैसे वकालतनामा भरना है, फिर बोलेगी तब तक केस डिसमिस, तब तक जज साहब ने डिसमिस कर दिया। क्लाइंट का क्या इंप्रेशन रहा, क्लाइंट ने कहा यार ये तो एडवोकेट बता, मैं नहीं कर सकता इसको, मेरा तो केस स्टार्टिंग में खत्म कर दिया। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, अगर हम इन चीज़ों को नहीं ध्यान देंगे तो बच्चे हमारे सिर्फ आएंगे जाएंगे। एजुकेशन, अब जो हम यहाँ पढ़ाते हैं नो डाउट अच्छा है, बच्चों को पता चलता है, पढ़ाना भी चाहिए, बट इसके साथ साथ आपको जो हमारे लीगल प्रैक्टिस में काम हो रहा है वो भी बतानी चाहिए क्योंकि ये हमारे आगे बढ़ने वाली चीज़ें। अभी आपने जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का देखा होगा, वो ई लाइब्रेरी कर दी उन्होंने, ई फाइलिंग कर दी, अब बच्चों को आती नहीं ई फाइलिंग, किसने देखी पहले ई फाइलिंग, किसी को नहीं आती। अब आज बच्चा पूछ रहा है सर ई फाइल कर, अब ई फाइल कैसे करें, एन आई एक्ट सारे ई फाइलिंग होते हैं, एन आई एक्ट के जितने केस आते हैं सब ई फाइलिंग में जाते हैं, अब बच्चों को पता ही नहीं ई फाइलिंग कैसे होगा, उसमें बुक मार्क बनेगा, पीडीएफ बनेगी, नहीं आता। तो इस पर रिसर्च करवाइए बच्चों से, इस पर बच्चों को कहिए कि आप रिसर्च करो साइन। उसके बाद है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR, ODR प्लेटफॉर्म्स आर गेनिंग प्रोमिनेंस ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल लिटिगेशन, इट अलाउज पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑनलाइन, सेविंग टाइम एंड कॉस्ट, ऑफरिंग कन्वीनियंस, ODR प्लेटफॉर्म्स आर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर रिजॉल्विंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स एंड ईजिंग द बर्डन ऑन ओवरवेलमिंग कोर्ट्स। अब ODR है, बच्चे कहते हैं यार ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ADR है, ODR क्या है, वो है क्या कहते हैं इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, हमने आर्बिट्रेशन है, ये क्या चीज़ है, वकालत है, पर नहीं उसमें ये कमर्शियल में आते हैं, ODR आर्बिट्रेशन ये कमर्शियल डिस्प्यूट्स। अब एक कंपनी है उसका दूसरी कंपनी के साथ डिस्प्यूट है तो वो कोर्ट में आएगा, कोर्ट उस
उसको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते ही कोर्ट से, कोर्ट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते ही कोर्ट जो है आपको एक आर्बिट्रेटर देगी, तो वो कहेगी अब आपकी बात ये सुने, ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, ऑनलाइन ओडीआर क्या होता है नहीं पता, पर इससे आपका कॉस्ट बचती है, आपका इफेक्टिवनेस होता है और अप्लाई होता है बच्चों को घर पे बैठ के। आप वो ऑनलाइन बैठ जाएंगे उस पर आप कर सकते हो, पर आर्बिट्रेशन में एक यहाँ बैठे और उसमें कौन जाते हैं, जो हमारे जजेस होते हैं। और जजेस अब मान लो मेरा आप जज हैं, आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे, अब मान लीजिए हमारे के जी बालाकृष्ण सर हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। अब मेरा किसी कंपनी के साथ डिस्प्यूट होता है तो वो कहते हैं कि आप आर्बिट्रेटर कौन सा चाहोगे, तो मैं जनरली कहूँगा मेरे को आर्बिट्रेटर के जी बालाकृष्ण चाहिए, वो कहना ठीक है, और वो बंदे को दूसरा चाहिए। अब वो दोनों आर्बिट्रेटर्स के बाद एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए दोनों में से एक। अब जब वो उस सीट पर बैठ गया तो उसका काम है दोनों को सुनो, और इसमें करोड़ों रुपए मिलते हैं, क्रोर्स ऑफ रुपीज फॉर वन आर्बिट्रेशन। और जो आर्बिट्रेटर कंपनी होती है जिसका आर्बिट्रेशन होता है, जजेस को फाइव स्टार होटल्स में रखती है। अब कभी कभी के जी बालाकृष्ण बताते हैं कि हम चेन्नई जा रहे हैं, फाइव स्टार होटल में रुके हुए हैं, अभी सिंगापुर होकर आए हैं, वहाँ कंपनी दे रही है उनको आर्बिट्रेशन के लिए। तो फैसिलिटी तो उनको कंपनियाँ दोनों देंगी, खर्चा देंगी, वो भी पैसा भी देंगी, फीस भी देंगी उनका ये, पर उनको डिसीजन वो देना है, ठीक है, क्योंकि वो रिपोर्ट उनकी कोर्ट में जाएगी, वो एक कोर्ट में जाएगी, देन कोर्ट विल डिसाइड कि आर्बिट्रेशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें हैं, मीडिएशन एडीआर, ये चीज़ें चैलेंज नहीं होती, क्योंकि यही चीज़ें बच्चों को नहीं पता। बच्चे के पास कोई, अगर मान लीजिए ये बच्चा हमारा 10th सेमेस्टर के बाद एलएलबी करके चला गया प्रैक्टिस पे, कोई आ गया सलाह लेने, मेरे जैसे ही कोई बंदा उसके पास पहुंच गया, वकील साहब मुझे सलाह दीजिए कि मेरा आर्बिट्रेशन है हुआ है, अब आर्बिट्रेशन को मैं कैसे क्या करूँ, मैं इस आर्बिट्रेशन को नहीं मानना चाहता, अरे हाईकोर्ट चले जाएंगे आप, लाओ फीस लाओ हाईकोर्ट चले, जब अप्लाई नहीं है तो आप हाईकोर्ट जाओगे कैसे। तो कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं बट हाईकोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते। वही आप खुली के आगे आप अपना मेमोरेंडम दो कि सर मुझे ये बेनिफिट नहीं है, आप इसमें कुछ और लाइए, कुछ और इसको मनाइए, मतलब दोनों पार्टीज को बराबर लाइए, पर ये चैलेंजेस नहीं हो सकते, इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट्स, क्योंकि ये अगर आपका एडीआर हो गया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट हो गया, रेजोल्यूशन आपने मान लिया, आर्बिट्रेटर आप बन गए, उसके लिए भी कोर्स है, आर्बिट्रेशन भी हाईकोर्ट अपॉइंट करता है तो उसके लिए हाईकोर्ट लाइसेंस देता है, मीन्स आपको ऑफिशियल आर्बिट्रेटर बनाता है, जैसे ऑफिशियल मेडिएटर है वैसे आर्बिट्रेटर भी बनाता है। अगर आप आर्बिट्रेटर बन गए आप अपने केस लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्ट को हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो ये कहते हैं जब आर्बिट्रेटर आप बनते हो तो यू हैव टू सी कि आप न्यूट्रल रहोगे, आप ये नहीं करोगे कि यार ये बंदा मेरा बहुत खास है मैं इसमें ये करूँगा, इसका पक्ष लूंगा नहीं। तो ये चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को इस पर नॉलेज दे सकते हैं कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है जी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। आजकल इन एन इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम ए क्रिटिकल कंसर्न फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स। एज टेक्नोलॉजी कंसर्न कंटिन्यूज टू एडवांस, साइबर थ्रेट्स हैव प्रोलिफरेटेड लीडिंग टू ए टेक्नोलॉजी एमर्जिंग ट्रेंड इन लीगल प्रोफेशन। अब आप ये देखिए कि जो साइबर सिक्योरिटी है, बहुत साइबर फ्रॉड्स होते हैं, आप उनको कैसे बच सकते हैं? एक तो हमारी साइबर सेल बनी हुई है, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो, बट
आपके पास फ्रॉड होता है, मान लीजिए आपको एक कॉल आता है और आप कॉल करते हो, वो कहता है मैडम उसने सारी डिटेल आपकी ले ली, कहीं से उसको फ़ोन नंबर सब कुछ मिल गया, आपने क्या चीज़ ऑर्डर करी ये भी मिल गई, उसने कहा मैडम आपने सर आपने ये चीज़ ऑर्डर करी थी, मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपके पास एक नंबर आएगा, आप मुझे OTP दो, हमने ये चीज़ मंगाई है, तो हम कहेंगे हाँ यार कि इसकी कंसर्न है, इसकी बारे में बात कर रहा है, तो नेचुरली ये जेन्युइन है, हमने उसको OTP दे दिया। अब OTP देते क्या हुआ, जो हमारा उसके साथ लिंक होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड, उसके साथ अकाउंट लिंक होगा, उसके पास पूरी डिटेल चाहिए और वो फटाफट आपसे निकाल लेगा पैसे। बट इसमें भी अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो बैंक विल गिव ऑल द मनी टू यू, रिटर्न करेगा बैंक। अगर साइबर फ्रॉड होता है और आप उसकी इंफॉर्मेशन देते हो पैसे के मामले में, तो विद इन 24 आवर्स, मान लीजिए आपके साथ अभी फ्रॉड हो गया, आपका पैसा निकल गया बैंक से, तो दैट इज बैंक्स फॉल्ट, वो कोर्ट देखेगी ये बैंक का फॉल्ट है और बैंक की लाइबिलिटी बनती है 24 घंटे के अंदर अगर आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो, मनी जितना भी आपका गया है वो बैंक आपको वापस करेगा। कभी ATM से निकल जाता है पैसा तो वो भी, ये दीज आर नॉट साइबर फ्रॉड्स। अभी पीछे हमारे पास एक केस आया था साकेत कोर्ट में, जिसमें एक एज्ड आदमी था, उसने 60 ईयर्स का, उसने कुछ बैकलोर मैसेज भेज दिए एक बैंक में काम करने वाली लड़की, पहले गया होगा बैंक में, वो काम करती थी अकाउंट खोलने के चक्कर में, उसने उसका नंबर लिया आदमी का, तो कि सर मैं आपको कॉल करूँगी, आप उसको पता है इसके बाद रिटायर्ड आदमी है तो इसके पास पैसे भी होंगे, तो हर बैंक में जो प्राइवेट बैंक होता है वो ये सोचता है कि यार मैं जितना काम ज़्यादा करूँ FDs लाऊँ तो मेरे को बैंक उतनी प्रमोशन दे, तो उसने उस प्रमोशन के चक्कर में ये बोल दिया कि सर ये मेरा नंबर है और आप मेरे से कॉल करो, उसने भी कहा ठीक है। अब उस आदमी के माइंड में क्या हुआ, उसने कुछ वीडियो क्लिप्स लड़की को सेंड कर, एक बार हुआ, दो बार हुआ, उसने इग्नोर किया, तीसरी बार उसने और कुछ भेजा, उसने ही कंप्लेंट जाके साकेत में साइबर सेल में, साकेत में साइबर सेल में कर दी। साइबर सेल के बंदे गए, उसको कहा कि तुम्हें साइबर सेल आना, वो कहता मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं हूँ, कहता ठीक है तू नीचे आ जा तेरे को हमने गिरफ्तार किया, वो कहता मैं नीचे नहीं आ रहा। साइबर सेल वाले नीचे बैठ गए आराम से, स्पेशल सेल थी उसके साथ साइबर सेल, वो बंदे बैठ गए, जैसे वो नीचे लंच डिनर के बाद घूमने आया, पुलिस ने उठाया उसे गाड़ी जी। अब वो क्लाइंट था हमारा, मेरे को फ़ोन आया वकील साहब साकेत कोर्ट में शाम को 7 बजे 7:30 बजे आप साकेत आ जाओ साइबर सेल में, मैं कहा मैं नहीं आता साकेत, अरे 7 बजे, कहते हैं पैसे, मैं कहा नहीं सुबह आऊँगा 9 बजे, कहते 9 बजे तक तो ये हमने इसको जेल में पेश करना है कोर्ट में, मैंने कहा ठीक है तुम कोर्ट में पेश करोगे तो कोर्ट में हम आकर इसकी भेज लेंगे। तो हम सुबह पहुँचे जी, मैं और मेरे साथ एक और मेरे वो हैं एडवोकेट, वो हम दोनों पहुँचे, पुलिस ने कहा जी इसने ये वाले मैसेज भेजे हैं, बताइए ये मैसेज वकील साहब सही है, मैं ना नहीं सही गलत है, कहता है अब ये हमें अपने मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं दे रहा, सब कुछ जब्त कर दिया उसका कार्ड पास बुक सब कुछ, कहता है ये गेम, वो कहता मैं जज साहब के सामने, मैंने कहा दे दो नहीं, जज चेक कर दिया उसको, अब कोर्ट में आए बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई, हमने कहा सर पुनीत पावा CMM है साकेत कोर्ट में, उनके पास गए, वो कहते वकील साहब पहले वो गड़गड़ुमा कोर्ट में थे तो अब वो साकेत कोर्ट, तो मैंने कहा सर सीनियर सिटीजन है, कहते सीनियर सिटीजन तो है हरकत तो देखो इसकी, अब हम क्या बोले भाई, उसने हरकत ही ऐसी करी है। आखिरकार बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पुलिस वाले ने ये रखा कि हमें इसने अपना पासवर्ड दिया, वो कहता है जी पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे, कहते मैं तो आपको जैसा कहते मैंने भी ना बोलना है, बोलना तो पुलिस वाले ने, बताइए उसने पासवर्ड बताया पुलिस वालों ने, कहा ठीक है जी बेल मिल गई उसको, अब 50,000 की बेल। उसके पास कोई उसका डाइवोर्स था, वाइफ का केस डाइवोर्स में चल रहा था, कोई देने को तैयार नहीं था पैसा, उसके पास कोई बंदा नहीं था बेल लेने के लिए, हमने बड़ी मुश्किल से उसके फ्रेंड को तैयार किया और उसकी वाइफ ने तरस खा के उसको 50,000 दिए बेल के FD बना दो। अब वो फ्रेंड के नाम FD बनी, फ्रेंड के नाम बनी, बेल पर छूट गए साथ आए, अब आए तो उस फ्रेंड के साथ लड़ाई कर ली, फ्रेंड ने कहा बेटा
मैं तो ये पैसे एफडी मेरे नाम है तोड़ा के खत्म करता हूँ। अब कोर्ट ने फिर से रद्द कर दिया। अब हमें दोबारा बुलाया, आप आओ। मैंने कहा आप, हम नहीं आते, हमारी फीस को फीस ले ली। कहते हैं साइबर फ्रॉड है, ऐसा फ्रॉड है जिसमें बेल बड़ी मुश्किल है। और बच्चों को अब साइबर टेक्नोलॉजी में पैसा भी बहुत है, और बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता कि साइबर फ्रॉड्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से ऑनलाइन हम कर सकते हैं। इस पर बच्चों से रिसर्च करते हैं। इसमें हमारे साथ हैं पवन दुग्गल सर, अब एक बार उनको आप कहिए, मेरे को कहेंगे मैं बुलवा दूंगा, कॉलेज में बुलवाइए। ही इज द एक्सपर्ट इन साइबर क्राइम, उनसे एक्सपर्ट साइबर में कोई नहीं। एक जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह, ही इज द एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट जिसे कहते हैं ना, हम उनके शागिर्द हैं, कुछ भी नहीं है, हम तो उनके चरण की धूल के बराबर भी नहीं है। जस्टिस तलवंत सिंह के वो इतने एक्सपर्ट हैं, और ही इज ग्राउंड टू अर्थ, ही इज ग्राउंड टू अर्थ। ऐसे अगर किसी जज को आप बुलाएंगे, जस्टिस को बुलाएंगे, तो बच्चों को बहुत नॉलेज मिलेगी साइबर क्राइम पर। तो ऐसे ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखाइए, बच्चों को बताइए कि साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत चल रहा है। साइबर पर हम सोफिस्टिकेटेड आम जो वेपन्स होते हैं उन पर साइबर सिक्योरिटी एक्ट होते हैं, कुछ फायर आर्म्स होते हैं। ये चैलेंजेस हैं हमारे लीगल प्रोफेशंस, इनको हम आगे दूर कर सकते हैं, इनको हम बच्चों को सिखा कर कि कैसे इनमें डिजिटली कॉम्प्लेक्सिटी है, हम उसको दूर कर सकते हैं। एक हमें रखनी चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। द लीगल प्रोफेशन इज मूविंग टूवर्ड्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटीग्रेटिंग लीगल सर्विसेज विद अदर डिसिप्लिन्स सच एज टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड बिजनेस। दिस ट्रेंड्स एनेबल लॉयर्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन बाय कंबाइनिंग लीगल एक्सपर्टाइज इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्क। अब यहाँ से हमने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखी, उसमें अब बच्चे फाइनेंस भी जाएंगे। अब एडवोकेट कहेगा मैं फाइनेंस में क्या करूँगा, तुम फाइनेंस एक्सपर्ट बन सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो बैंक में। बैंक में अब एडवोकेट की कहाँ जरूरत है, बच्चों को नहीं पता, कभी कभी हम लोगों को भी नहीं पता होता, लॉ प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता होता कि बैंक क्या करेगा लीगल एडवाइस में। बैंक तो अपना पूरा काम करता है फाइनेंस का, पर वहाँ आपने लोन लिया किसी से, तो लोन में अब मान लो मैं प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेता हूँ, एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेता हूँ, अब बैंक को तो नहीं पता ये चेन कैसी है। ये जो प्रॉपर्टी आ रही है मेरे पास लोन के लिए, मैंने 20 लाख लोन अप्लाई किया, तो बैंक को मैंने कागज़ दिए, बैंक को तो नहीं पता कि ये कागज़ क्या है, ये है भी कि नहीं है, जेन्युइन भी प्रॉपर्टी है कि नहीं, हवा में कागज़ बने हुए हैं। क्योंकि आजकल लोग फ्रॉड बहुत कर रहे हैं, साइबर के फ्रॉड हो गए, इस चीज़ के फ्रॉड हो गए, लोग हवा में बना लेते हैं कागज़, प्रॉपर्टी किसी और को बेची हुई है, कागज़ बन गया, लोन ले लिया। तो लीगल एक्सपर्ट चाहिए इस चेन को देखने कि ये चेन कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई, और इसमें ये लीगल ऑनर है कि नहीं है, बच्चों को नहीं पता। तो ये फाइनेंस में काम आता है, क्योंकि बैंक को जो एडवोकेट लिख के दे देगा कि दीज पेपर्स आर जेन्युइन, आप इनको लोन सैंक्शन कर दीजिए, तो उसी टाइम बैंक ने आपके प्रॉपर्टी के कागज लेकर आपको एक दे देना है, ये लो जी हमारा लोन सैंक्शन, आपको कागज से। अब जो एडवोकेट्स होंगे वो यही चीज़ देखेंगे कि आपके कागज़ जेन्युइन हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो दे आर जेन्युइन और नॉट। तो ये जो हमारे फाइनेंस के लिए है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब टेक्नोलॉजी, अब जो टेक्नोलॉजी फॉर्म्स हो गई उनके लिए आपके MOUs बनते हैं, कुछ डील करना है, कुछ खरीदना है तो आपने उसके साथ करना है। क्या पता वो बंदा पैसा लेकर आपसे आपको सामान देगा, आप उसको कहाँ कोर्ट में जाओगे, कहाँ खींचोगे। अगर आपके पास एक MOU बना होगा, आपके पास एक वो बना होगा कि जो आपका ये है एग्रीमेंट, जो आपका एक एग्रीमेंट बना होगा उसी के जो कंडीशन होंगी उन्हीं कंडीशंस पर तो आप उससे कहोगे कि भाई साहब आपके साथ ये कंडीशन तय हुई है और इन्हीं के कंडीशंस पर आपने काम करना है।
ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉर्पोरेट में बच्चे जा सकते हैं, कॉर्पोरेट आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा। फॉरेंसिक में, फॉरेंसिक साइंस इज द चैलेंजेस। ये इतना अच्छा टॉपिक है जिसमें आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो, और उसको जो क्लाइंट होता है उतनी अच्छी फीस देता है जो आप नहीं मांगे। लैब हमारे बिल्कुल साथ में है फॉरेंसिक की, इसमें कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट बन सकते हो, सिग्नेचर एक्सपर्ट बन सकते हो, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। आप ये देखो, जब कहीं चोरी होती है तो वहाँ पुलिस वाले आते हैं एक टीम लेकर, जो आपके फिंगरप्रिंट को लेते हैं, फिंगर एनालिसिस करते हैं। ये चीज़ें सारे बच्चों को नहीं पता कि एलएलबी करने के बाद हम इन चीज़ों में जा सकते हैं। हमारा काम है उनको बताना कि एलएलबी करके आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कितने रास्ते खुले हैं। जैसे कहते थे ना, पहले साइंस ले लो और साइंस के बाद आपके पास बहुत रास्ते हैं। आप कॉमर्स में भी जा सकते हो, आप सीए भी बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसे एलएलबी करके आप हर फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि हर एक को आज का टाइम ऐसे एडवोकेट चाहिए, हर एक को एक एडवोकेट चाहिए, आपको एडवोकेट चाहिए। तो फॉरेंसिक में इतना अच्छा है। आई हैव डन इंटर्नशिप इन बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहाँ हमें ये सिखाया गया रिसर्च का काम, कि आप रिसर्च कैसे करते हो, कॉन्फ्रेंसेस कैसे अरेंज करते हो, पुलिस वीडियोग्राफी कैसे करती है। अब एक क्राइम सीन है, अब क्राइम सीन पर वीडियोग्राफी करना है, इस पर कॉन्फ्रेंस करती है। मुझे ये टॉपिक मिला कि एक कॉन्फ्रेंस हम करना चाहते हो, तो उसका वो बनाइए। आईपीएस मीना थी, उन्होंने मुझे कहा, संपत मीना, उन्होंने मुझे कहा कि राजेंद्र ऐसा करो, एक कॉन्फ्रेंस डिज़ाइन करो जिसमें हम क्राइम सीन पर वीडियोग्राफी करते हैं। द पुलिस कमिश्नर्स, पुलिस ऑफिसर्स विल कम, ऑल आईपीएस आईपीएस ऑफिसर्स विल कम एंड यू विल टू हैंडल देम, कि आपने वीडियोग्राफी कैसे करनी है क्राइम सीन, कैसे क्या करना है, ये इस पर एक आप तैयार करिए रिसर्च। सो आई हैव ट्राइड, आई हैव मेड दैट सर्च, वो रिसर्च हमने बनाई, उस पर फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, तो वो कॉन्फ्रेंस का फिर हमें एप्रिसिएशन लेटर मिला दैट वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क। बट क्यों वो चीज़ हमें क्यों मिली, वी हैव डन रिसर्च वर्क, इस चीज़ पर रिसर्च किया। तो ये टॉपिक्स हैं, आप जेल रिफॉर्म्स पर रिसर्च कराइए, बच्चों को जेल विजिट कराइए, जेल विजिट की एक एप्लीकेशन दीजिए और जेल विजिट के लिए कराइए, बच्चे करेंगे तो उस पर उनको कहिए कि देखिए कि क्या रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। किरण बेदी ने किए थे बहुत रिफॉर्म्स, ये चीज़ें हम उनको दे सकते हैं कि आप इन चीज़ों पर आगे करिएगा। अब उसके बाद आ जाता है जी हमारा स्पेशलाइज्ड एरियाज। अब स्पेशलाइज्ड, मैं क्रिमिनल में जाना चाहता हूँ, अब स्पेशलाइज्ड एरियाज जो हो गए हमारे, क्रिमिनल में जाना चाहता हूँ, तो क्रिमिनल में कैसे केस करें। अब 138 भी क्रिमिनलाइज हो गया, वो भी क्रिमिनल केस है। अब क्रिमिनल में हम कैसे करेंगे, क्रिमिनल केस को कौन से क्रिमिनल में जाएंगे। क्रिमिनल तो चोरी का भी होता है, क्रिमिनल मर्डर का भी होगा, क्रिमिनल आपका 376 भी होगा, तो ये सब क्रिमिनल केस है। बट आपकी स्पेशलिटी क्या है, क्रिमिनल में किस में जाना चाहते हो, आप 138 के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, NIT के, जो सिर्फ आप NIT के करना चाहते हो, आप 379 के करना चाहते हो। कुछ ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो सिर्फ बेल कराते हैं, उनका काम है ओनली बेल कराना, बेल कराने के बाद वो घूम जाते हैं, ये क्लाइंट है, उनको और कुछ नहीं आता, वो सिर्फ जाएंगे आपका बेल बॉन्ड भरेंगे और जाकर कोर्ट में कहेंगे, कोर्ट में उनको बेल मिल गई एक या दूसरी डेट पर, तो बेल ले ली वो खत्म, उन्होंने बेल आपके पैसे पॉकेट में डाले। तो कुछ तो बेल एक्सपर्ट हो गए, वो तो सिर्फ बेल कराएंगे। पर मैं कहता हूँ कि जो भी एडवोकेट बच्चा बनता है उसको हर चीज़ में हाथ मारना है, क्योंकि हो सकता है बेल ना आए कल आपके पास, आपको दूसरे केस में भी। हाँ, अगर आपको कहीं चाहिए तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं सीनियर की, सीनियर कभी मना नहीं करेगा। हाँ, जो आपको फीस मिल रही है उसमें से उसको भी दीजिए। तो देखिए, लीगल प्रोफेशन विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं चल सकता। मैं कहूँ मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, नहीं, मुझे भी अगर कहीं क्रॉस करना है तो मैं कहूँगा यार
ऐसा क्रॉस करना है तो सीनियर को ले चलो, जो मुझे फीस मिल रही है आई कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू हिम, तो हम भी वो करेंगे। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो बच्चों को आप ये कह सकते हैं आप किस में एक्सपर्ट बनोगे, कॉर्पोरेट में एक्सपर्ट बनोगे, लीगल में बनोगे, क्रिमिनल में बनोगे, मैट्रिमोनियल की कुछ एक्सपर्ट होती है जो सिर्फ मैट्रिमोनियल केस ले रही है, 125 का केस ले लिया, डाइवोर्स का ले लिया। अब अगर एक लड़की केस डालती है 125 का, तो उसके पास तीन ऑप्शन हैं, तीन केस वो डालेंगे हस्बैंड का, 125 का, दूसरा आपका डाइवोर्स का नहीं सॉरी डीवी का, एक उस पर डीवी पर 498A का डालेगी डोमेस्टिक वायलेंस, तीन केस ये हो गए ठीक है, तीन और एक लड़का डालेगा एक डाइवोर्स, वो ओनली डाइवोर्स डालेगा। उसके बाद एक और केस लड़की के पास बनता है मेंटेनेंस के बाद बनता है एग्जीक्यूशन। तो अगर एक एडवोकेट को एक केस मिला मैट्रिमोनियल तो समझो उसके जोड़ी में चार केस आएंगे, तो वो अगर 25,000 में फीस ले रहा है एक केस की, 1,00,000 रुपया तो आएगा ही। हमारी एक एडवोकेट हैं बहुत अच्छी है, नाम सुना होगा जूही अरोड़ा साकेत में बैठती हैं, अभी उन्होंने अपना शिवालय में ऑफिस भी बनाया, तो हमारी एडवाइजरी लॉ जॉइंट की एडवाइजरी कमेटी की मेम्बर भी हैं। तो शी चार्ज फॉर वन फाइल 30,000, 30,000 रुपये सिर्फ फाइल बनाने के, एंड शी चार्ज 1,00,000 रुपीज, मिनिमम 1,00,000 रुपीज फॉर वन केस, और क्लाइंट देखे जाते हैं उसको पता है ये जीतेगी, क्योंकि मार्केट में नाम हो चुका है वो मीडिएशन दिल्ली गवर्नमेंट से मीडिएटर हैं, अच्छी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। तो वो जो है अगर उसको बुलाते हैं तो मैं अगर उसको बुलाऊंगा तो नेचुरली अगर मुझे 25,000 फीस मिल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मैं 5,000 तो कम से कम वो अपनी तरफ, हालांकि वो मांगेगी नहीं मेरे से, बट आई हैव टू गिव 5,000। और वो केस अगर आपने किसी सीनियर की हेल्प ली तो जो है आपको वो केस में बेनिफिट होगा ही। तो ये चीज़ें बच्चों को बताइए कि आपके पास अगर मैट्रिमोनियल को ये कहे या छोड़ मैट्रिमोनियल केस एक केस के साथ चार केस मिले, बच्चे नहीं जाना चाहते मैट्रिमोनियल केस को, वो कहते हैं छोड़ो ना यार इसमें क्या होना है, मेंटेनेंस मिलेगी उसको मिलेगी हमें क्या मिलेगा, हमें तो फीस मिलेगी, तो 2,000 वो देते हैं बड़ी मुश्किल से देते हैं, नहीं इसमें आप जा सकते हैं। ये बहुत आजकल चल रहा है, और आप फैमिली कोर्ट में खड़े हो जाओ तो कम से कम फैमिली कोर्ट में सारी कोर्ट में जितने केस हैं उतने फैमिली कोर्ट में केस हैं। जरा सा झगड़ा अभी कल केस आया था, शादी को 3 महीने हुए और वो आ गए 125 के, जज साहब कहते हैं भाई साहब अभी तो 2 महीने हुए शादी में, तो ऐसा क्या हो गया कि नहीं रहना है इसके साथ, कहते अभी तो 2 महीने हुए, 2 महीने तो बिना होते हैं अपने आप को समझने के लिए, तुम 2 महीने में घर छोड़ के चली गई और कह रही हो मुझे रहने ही केस डालती हो, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं करूँगा, एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, एडमिट ही नहीं करूँगा, आप एप्लीकेशन दोबारा लगाओ, पहले आप मीडिएटर के पास जाओ और अपने आप को करो मीडिएट करो, दोनों बैठ के अपने आप को सोल्यूशन निकालो कि आप दोनों अभी 2 महीने हुए कम से कम 1 साल तो होता फिर आप एलिजिबल। तो आजकल शादियाँ डूब होती हैं कि लड़का सब में ईगो है वो मेरे से ज़्यादा कमा रही है नहीं मैं नहीं रह सकता, वो मेरे से ज़्यादा कमा रहा है मैं नहीं रह सकता, मेरी ये डिमांड पूरी नहीं हो रही मैं नहीं रह सकता। तो ये ईगो जो अभी मैंने एक सेमिनार किया था अफसर वानी सर एनवायरमेंटल लॉ, तो अफसर वानी सर ने इतना अच्छा बच्चों को गाइड किया कि एनवायरमेंटल लॉ हम लोग नहीं सोचते, स्टूडेंट्स को कहो कि एनवायरमेंटल लॉ पर एक्सपर्ट बनो नहीं बने, वो कहे नहीं सर ये क्या है इसमें पैसा ही नहीं है, नो डाउट पैसा कम है बट ज़्यादा भी है अगर आप सीरियस सोचो एनवायरमेंटल लॉ पर आपके पास ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, डायट्स अगर आपको लगे कि ये हम गलत हो रहा है तो आप उसकी वो डाल सकते हो जज हिंदी याचिका, और एनवायरमेंटल लॉ पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर देती है। एक बार आपने आपकी ये एक्सेप्ट हो गई PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो समझ लो आप वहाँ के वकील बनते हैं, और ऐसे MC मेहता कैसे पढ़ा
वो PIL, he is expert in PIL in environment. अगर आप कोई भी केस है एनवायरमेंट का ले जाओ, PIL, MC मेहता, जितने केस होंगे आप पकड़ के देख लो, MC मेहता. तो ये इस पर रिसर्च कराओ बच्चों से, इस पर बच्चों से आप काम कराइए. ये टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतना चल रहा है कि आज अब जैसे मैंने लॉ ज्वाइंट है बस पांच, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जैसे हम लॉ ज्वाइंट है, मैंने लॉ ज्वाइंट है, अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम इस पर बहुत अच्छे वेबिनार कर रहे हैं. अब मुझे लगता है कि मैंने लॉ ज्वाइंट में कोई इसको कॉपी ना, दूसरा बंदा आए फटाफट कॉपी करेगा, लोगो लेगा और कहेगा कि आई एम द ओरिजिनल लॉ ज्वाइंट, और वो चला जाएगा कॉपीराइट में चला गया. तो कॉपीराइट, क्योंकि मैं अभी उसमें नहीं सोचा, उन्होंने सोचा, उन्होंने कर दिया और वो उसको मिल गया. मेरा काम, जितना मेरा काम था वो ले गया, मैं बैठ गया. अब हमें क्या सोचना होता है कि कॉपीराइट में भी एडवोकेट चाहिए. बच्चे कहते हैं नहीं. अब हमने क्या किया, लॉ ज्वाइंट को देखा, कई टीचर्स मेरे पास आए, यार ये लॉ ज्वाइंट है तो हमें बेच दे, कितने पैसे ले. एक फैकल्टी आए मेरे पास, कहते हैं हम ना लॉ ज्वाइंट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो ये हमें दे, इसके राइट्स सारे मुझे दे. मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूँगा, कहते तुम पैसा ले लो. मैं कहा नहीं चाहिए, एक रुपया. कहते हम लाखों देंगे. मैं कहा लाखों रखो, कोई और मुझे नहीं चाहिए. मैंने फटाफट ट्रेडमार्क अप्लाई किया और बाई चांस TM मिल गया. अब मैं सिक्योर हूँ कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता. ओपनली हम वेबिनार कर रहे हैं, शौक से कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं अंडर लॉ ज्वाइंट एसोसिएशन. उसमें हमारे साथ मेंटर KG बालाकृष्णन भी हैं, विवेक नारायण सर हैं, FIMT कॉलेज मेरे साथ है, और IIM यूनिवर्सिटी है जिसमें अफजल वानी सर हैं. तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर बहुत अच्छा आप बच्चों से करवा सकते हैं. इस पर भी अभी हम थोड़ी चाय के बाद बात करते हैं. इस पर आप बहुत अच्छी रिसर्च करवा सकते हैं और बहुत अच्छी चीजें बन सकती है. ठीक है, तो इसके बाद अग्रीमेंट के लिए टी ब्रेक. एंड व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेसर, द नंबर ऑफ प्रोफेसर, नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर इन एवरी इंस्टीट्यूशन, बट सम ऑफ देम आर बीइंग लव अप्रिशिएटेड बाय द स्टूडेंट एज वेल बाय द कलीग्स. So definitely they must have done something that is different from others. What makes the difference between them and the others? The same is in case of councils. There are number of councils at the level of the court and litigation, but hardly we remember a few of them, and few of them are being known, not others. So reason is very simple. There is one thing that is saving all of them. That all of them are very good researcher and interpreter. That makes the difference. If you are a very good researcher, ultimately you need to be very good interpreter. How to interpret the language and how to use that language and how to use that particular information, how to drive a conclusion. That is something for the purpose of your argument, if you are counsel, for the judge, writing a very good judgment. And that's why the judges are being remembered, those who are writing a good judgment. And those who are writing a good judgment, they are very good researchers. They can interpret the language very well, being a good researcher. Same is even in case of the faculty's teachers. If we are good researcher, yes, there is always a spot that we can accept. We can evolve as a very good, even orator, very good analytical speaker. Approach, and yes, we can interpret and can analyze the things in a very effective way. Even when we are talking about a kind of lecture that we have to deliver during the classes, your session, sometimes you will find it's a kind of monotone. How to make it more interactive? So that is another art. So unless we will be updating ourselves, and that happens only by way of research. So coming back, I hope that says something that makes the importance of the research. So now, today's topic, that is something that I have to look at,
the report writing and publication. Report writing is something that what the research we have done, we have to write the report of that. By the completion of the research work, either it may be case of a thesis writing, it may be case of a research project, it may be case of dissertation, it may be case of any kind of research work, we have to write a report. So, what is the report? So, after collecting and analyzing the data, the researcher has to accomplish his work by writing the findings, conclusion, inferences, what they have drawn out of this research. That is something come as a report. So report is nothing, it's a kind of inferences what we have drawn out of the research. What maybe the experience that researcher would have, and what are the finding of the basis of that, and then finally the conclusion. So we may be suggesting some outcome on the basis of all such findings and analysis. So a report is clearly structured document in which the writer identifies and examines the issues, events, and findings of the research. In simple words, you can say report is a written presentation of factual information based on the investigation or research. So the next slide also highlight the importance of the research. But we need to highlight, I highlighted the last part of that. If we are saying a research without a report can be considered as a house without a roof. It is something, if you are not writing the findings, if you are not writing the report, then your findings, it is not a goal at all. What you have learned, that will be limited to you. So that's why I use the phrase, a researcher, research without a report can be considered as a house without a roof. What you have researched, what your experiences, unless you weave them in that way that it can be utilized, can be beneficial for others, for the society, it is not a research at all. Research is meant for the social cause. And that aspect which is missing, if you are not writing a report at all. How the other people will come to know that what we have done? So, on the basis of the same, then I try to analyze the characteristics of an ideal report, what it may be. So, the report should be clear, concise, accurate, and well organized with clear sections and headings. Presentation is a key for formatting and writing a report. Formatting, revising, and proofreading are very important process of writing good report. And all such report must have an executive summary. Executive summary that presents the essential elements of report from the introduction to the leading to the recommendation. Starting with the intro to the recommendation, outcomes of the research. And report should be visually appealing and easy to read. You can use the diagrams, you can use the figures, charts, tables, graphs, can all add interest. So if you are writing a simple report, ideally you will see that you will, the reader may be feeling bored. How to inculcate and how to amalgamate all of them, even in case of us reading, that should be kind of some kind of visuals. If you are providing, you will see that if you are reading any of the articles, if there is some kind of tabulation is there, by virtue of the tabulation you will find it is more interesting, more catchy, that you can relate to the fact. So if there is a graphical presentation of the data, while we are analyzing the data, you will find it's a more easy to have. So, on the same, the report should be easy, but it must be visually appealing, so that reader can relate to them.
And that can be done by way of different diagrams, figures, charts, graphs, etc., etc. If you are talking about purpose of report writing, as the slides shows, there are certain purpose of writing a report. Why we have to write a report? If you will ask a very simple question from your side, all of your teachers, you know that. But if what may be the purpose of writing the report? So the purpose of writing is to communicate. Let me come to the next slide. If you are reading, you will be finding these are some of the purposes that why we have to write a report to the research. To communicate the research finding professionally. Unless we will be writing it, no one will know. What is your experience? It's worth less. It will limit it to your information. But others may not get it. And research is being done not for individual, not for your side. Research is something that the other people must be benefited by. We have research. That's why we are writing too many articles, research articles, by way of opinion, by way of interpretation. Then on the basis of that, we may draw some influence, or sometimes we may have our own opinion. We may have contrary opinion to that. That is something that is a strength of that. Research. The research is something that leads you to have your own opinion rather than the opinion of the author. But you may be in the line of the author's argument. You may not be. And why is something that when we try to inculcate this kind of inbuilt features, even in the students, that you need to have your own opinion, try to build your own opinion on all such controversial aspects that is going on within the society. We have too many issues. Even within new paper, you will be finding law is everywhere being linked. You will be finding every newspaper, daily newspaper, 3 to 4 very good research instances are available. It is only the way that how we are thinking about that. Very recently, UCC is being, law commission is inviting it. So that is a very good area of research. People can have a different opinion. But another thing, you can say that particularly there is a law. Nothing is incorrect. I used to say nothing is incorrect. And I stand firmly with that. It is the way of argument how it plays that makes the things correct or incorrect. If you are providing proper justification, the research is the same thing. If I am providing proper justification in the case of data and interpretation and analysis, you can have a different inferences. You can have a different outcome. Let me tell you one thing. Both sides have been taken. So we won't have to be both sides have been. And you know, sometimes you will see that today there is one judgment. After a few years or tomorrow, there will be another judgment on the same issue, probably reverse. The earlier decision being reversed by the Davis and Bank Constitution and so on and so on. So. If everything would have been correct, there is no, it's probably the case of one judge that makes the difference. If that judge would have been on the other side, you may have a different opinion. And tomorrow you never know. So that's why I used to say that law is something, it's very beautiful. Law is something very beautiful. Science, that is a very stereotype kind of thing, that 2 + 2 is always 4. But it is your the strength of argument that you can make it 3, you can make it 4, or you can make it 5. You must have heard the name of the Ramdev Kanani. Nothing else. The person is a fantastic interpreter and researcher.
kind of the arguments he plays, he is a very good researcher, very good interpreter of the language. Of research ke andar, you need to have a very good strength of research as well as the interpretation, analysis, analytical views. If you have, you have always better chance to succeed. So, the purpose of report writing is to communicate to the research finding professionally to the others, to pertain the credibility of the research. By writing the report, definitely you will get the credibility. To develop appreciation of the standards, consolidate arguments and identify the knowledge gaps. To prove the judgment tools for the judgments of quality in tailored research within the and outside the academy. Definitely when you are publishing a very good article, you are being known. You set a mark and you are being appreciated by the colleagues and by all the people in academia. So writing a report is equally very important. And to prove the worth of legitimacy of the assigned research job. What is being assigned to you as a researcher? You prove your mettle by way of writing the report. Yes. So, the very next thing. Significance of writing the report. What may be the significance? It authenticates the quality of the work, establishes the strength of the finding, it provides the necessary guidance for taking appropriate action on the basis of research. As I have already stated, research is something that on the basis of the research, either you are suggesting something, either you are critical to the existing position, you are highlighting the loopholes. I said, another thing that you will be finding, the research is not something that you will be providing solution to every problem. No. Research, the objective of research is also that you will be initiating another way of research. Where you stop, another researcher will start from that. Or you must have seen that if technically it is not possible to research each and every aspect of any book. So that's why if you people would have been involved in the research and engaged in the research, usually we are writing a limitation clause, which I frequently advise to my scholars and all PhD scholars, that better to have a limitation clause of this. Technically not possible that you will cover up each and every aspect of research in any research. So better to have. Even if you are doing a research, you may be putting a comparative, like you may put a comparative UK and US. But that is not so. Why you have? Why you use only UK and US or Canada or France? You must have the reasons for that. Why you are so selective that you are using only US? Research is not something that can be I use it. No, this is not something. And it is not as per the convenience that, yes, it is not as per the preference. You need to have a justification. If I am selecting US as a model of comparative, then we must have some justification. Even I am taking Israel as a, in case of appointment of judges. We are doing a research project. So at the time, in contrary to the US, UK, and France and Canada, I prefer Israel more. So it is up to you how you are moving to that. But unless you explore it, you will not be able to select appropriate one. So that's why I say that when we are evaluating and going for this given PhD evaluation, usually we will ask very simple question. If you have a comparative thing, what are the justification only for going to that? Sometimes you are finding that a researcher has maybe not an appropriate answer to that. Either they have no counter that kind of questions. So what I am trying to say to you, you please, when you are writing, designing, planning, probably some of you must be planning for that. So you need to be very selective. If you want to have the French model, very recently in the case of France, there was some problem. That is another area of research. Even I advise my scholars to have, yes, performance of rituals in public places.
is a very big problem in this media in France. Performance, public performance. The two different models. France is totally different model, India is totally different. And there is different parameter of this. You know, in case of France and Canada, even if we don't use turbo, if you're driving a two-wheeler, but in case of India, we completed. So different parameters are there. So if I have to do research, I have to analyze this model as well. Why they are not allowing exception even in case of six and other religious people. But particularly in this media, we have examined it. So when we are reading and analyzing the situation, that the French and Canadian model is justified, that when you are going in public, you have to become as a public person, not a private. Religion is your private entity. Keep it at home. Don't show cause in public. But our domain, our cup of tea, in particular case of Indian model, is a different one. We are allowing even in case of public. That's why some problem even we are facing. So let us see how that. But these are two different models that is existing in the world. So we need to analyze in case of research that how it happened and what is the shortcoming. Even I am not arguing that French model is very good one. You please, I am not. But definitely there are some problems even within that system. That's why very recently you would have seen there is some problem in case of French society. But in some cases, they are also providing a solution to our problem. They are not allowing the public performance on the street and roads, public roads, so that you can use it very easily. On contrary, in case of India, we are permitting have the crowds and the queues, and so people are playing on the road, disturbing the mass traffic and every other essential things. So how long we will know? That is another question. If I have to find out the answer to that, definitely I have to explore France and Canada. How they are doing it. Why they are not allowing even the Sikhs to be a turban at the time of battling the community. They have their own justifications. This is the particular judgment of that turban case. They say that at the time of if someone is making an accident, it's the state affair. State have to come to the rescue. It is the duty of the state to protect and to take care even at the time of this happening. So that's why they are not allowing anybody. They are asking you, everybody, to have helmet. So they have their own ideology. Ours is a concern, is somewhere midway. And anyhow, there are too many examples for that, you will see. Researcher task remains incomplete till the report has been presented or written. So as you know that without writing a report, the research is not completed. Then coming to the next. Procedure of research report writing. Is there any kind of procedure? Have you seen that? If people must have done a lot of research, is there any kind of set rules? Ideally, no. So how do we? But there are certain norms that everybody ideally we need to follow it. Some guidelines. First of all, we have to revise the expectation. What are the expectations from the research? What is our objective? Then we have to prepare an outline. Outline of the role of the research. Then we have to arrange the data. Then and you have to do a lot of literature surveys. And after doing all that, then you may start to write. And once you start writing, you need to complete your first draft.
but the work is not complete. After writing the first draft, there can be some reviews with the guide, supervisor may suggest you have some treatment. Even at the time when you are submitting chapters or some sections of the research, some comments, some kind of suggestions may be suggested by experts. So ideally we need to incorporate. So that's why that is the majority. And then to rewrite. But even if no one may be suggesting, if you will be reading your research once again, you will be finding that you have too many comments and suggestions. So that is something very basic kind of thing that then if you are writing, what kind of research reports are there? Research report can vary differently in its length, titles of the reports are available. Particularly in case of academic, we will find two types of reports are there, descriptive and analytic. That is something ideally people used to do. In case of writing cases, project reports, or research project, either descriptive or analytical is being written. A descriptive report is something where the researcher describes the facts, trends and opinion, experience or gathered during the research work. What kind of trends? Sometimes you will be finding the research is not only purely doctrinal. It's a mix up of that, doctrinal and empirical. So what kind of opinion you have during your interaction, during the questionnaire or opinion that you or information you have gathered during the data collection. So a descriptive is a very usual work report that usually people are writing. They are describing what are the facts, trend or opinion. Generally in such reports, data presentation analysis are more importantly present. Such reports are more stable in case of describing current situation and more popular method of report writing. You must have seen that during the election, some kind of trends are being circulated by the news, TV channels. Can we say this is a risk? So can we see that trends are being presented by the TVs set at the time election or any that? Is that a research sir? Is it not a research? Not academically, but yes sir, for their work. Because there is analysis of data and they are predicting something. And what is the research? Research, sir, they have taken demographic data. So that can be a research. I think you must have seen that research may be doctrinal or empirical. So, or it may be pure empirical, particularly not in case of law, but in case of management and other things. It may be. But most of the time you will find it, in academia you will find it, it's a mixed bag. Like the first what I stated, descriptive. When you are talking about facts, you are talking about trends, you are talking about analyzing them. On the same, you need to have, ideally, if you have seen any kind of thesis or some of your colleague or friend is writing, then you will find some chapters are dedicated to empirical research, where they are doing the questionnaire and then surveying and other. So, but even in case of these daily trends, election trends, it's a kind of mini research. They're getting the opinion, the empirical one. They're getting the report, analyzing the data, putting the data and representing the data in one way. You know, sometimes that's why it is being stated that sometimes data are not only fabricated, but data presents
two types of cases. What do you want to show? That is up to you. That is something that we will say, a glass of water, a glass of half filled, a glass of water in that. You may say it's a half empty or half full. It is a way how you use the data. So using the data is another thing. So I'm not going in that how they are presenting it, but that is their problem. But as a researcher, what you are taking? What is your take on that? Are you looking for the empty part of the glass? Or are you looking for the half filled of that? So the data is another thing. There is very people, generally people many plates with the data, and they present one kind of pictures or other kind of pictures. But if you have very clear data, then definitely they show some kind of trends. So how clear they are, that is not our problem, we don't want to question. But particularly in case of candy, if you have done a genuine research, definitely that will show something. Let me tell you one thing, that we were doing a research project on single-use plastic bag. If I ask very simple question, this is very simple topic. One simple topic, but very good topic of research. You know, all of you must be aware about the problem. You must be aware about the laws, policies. In spite of that, it is not effective. That is truth. In spite of all other things, policies, punishment, penalties for the manufacturer, user, and so on and so, in spite of having all the mechanism, is it effective? Then whatever reason, that is a very good idea of research. Can we say what may be that idea? Why it is not effective? So, this is alternative to one single-use plastic, cheaper alternative is not available. We do have other things like clothes, bags, but then they being a paid price for it, people will not generally adapt to, you know, giving away a single-use plastic and adapting on paying for something which is less harmful for the system, the ecosystem. And because the production of single-use plastic is not really controlled, we do still have manufacturers, we still have people who actually resort to. There was a time in 1970s, I've seen the movies only, that people will go to vegetable shopping and they'll carry a wicker basket. It is a very simple solution for that, that instead of poly bags, which is generally in unorganized sectors areas only, we have single-use plastic. People can just resort to carrying a basket, but that trend went away when plastics were made barely available. And now switching back to something which was carrying a carry-on or any kind of basket, that can be initiated, but yes, then obviously there will be inviting penalties. And obviously the implementation part, people still loiter, aware, and they are aware of fact that, you know, they shouldn't, but they still do. Okay, anybody else want to say anything on that? Anybody else? Sitting? 4-5? See, one thing is correct in that, all of that. It's not effective. I know, we must agree to that. Whatever may be the reason is that, but at present it is not effective. Second, we need to overcome that, because that is creating too many issues and problems in the society. So for the purpose of having that opinion, that we have to overcome, we need to have a consensus, mass opinion. Because unless the people will convince with that idea, none of the policy will be effective. I will give a very simple example, NSET time card. Example, you know that why we are following too many things, why we have customs.
while even there was no sanction at all. There was no sanction attached, but that is the custom and we are following. Because there is a conviction. Either we are being taught by birth that you have to do this, something, this, that, then we are following. Then you will find the people have the conviction. So unless the people will have a conviction, there is no way of mass appeal. Mass appeal plus let's start with the conviction. If the people convince with that idea, then there is no question of sanction, penalties either. Majority will follow. So ideally the problem is not only in this problem, in most of them, there is no conviction from the mass. People are not being considered. Even I'm talking about this particular almost a year back or something, more than a year, for mass agitation. What is their argument? They are saying they are not being consulted. That is no good for them. So people are not feeling associated. Right. Whether it is right or wrong, that's a different thing. Right. People who are subject to rules are not even being discussed. People are not feeling that they are being associated. Right. And that's why they are not finding it convincing to them. There may be some shortcoming, there may be some shortfall, there may be some problem. But the basic thing is that the people are not convinced with that. And if the people are not convinced, that will not apply to society. Irrespective of that, you may have the set. That's why that I gave the example of this plastic bag. Irrespective of that, you have the penalty, you have the, all the procedure. Even there is a penalty for the person who are manufactured. Right. Even for the user, shopkeepers, there is a penalty. Right. But in spite of all, still it's operating. And that's the truth. You have the penalty, you have the punishment, you have the all such thing kind of thing, mechanism. But still it's not effective. So we have to see the what are the reasons why. That is ideally the researcher can do. Maybe asking the opinion of the mass. What the people think, like you said, that there is no alternative. Yes, that is one good reason. Either people want switch off. Even if there is an alternative, which is, if I'm correct, it's corn husk converted into a plastic like substance, it's expensive. Manufacturing that is also expensive, and I think it's only Mexico that has implemented it. Other countries have not even, I don't think it has been realized that potential that there is something like that exists. Even you know that let me share with you. Shahbanu is for triple the law. Okay. Shahbanu was just meant because that was not applicable to Muslim women, so they are not being entitled for open games. Right. And that was the problem. Because the person now applied to the different people belonging to different faith. So as per their policy, they have a different mechanism, dower and other some kind of, as per their agreement, usually because they treat marriage as an agreement. So by virtue of the terms of agreement, it decides. That once you got the lump sum payment at the time of divorce, then you are not entitled for the purpose of maintenance. Right. So maintenance clause stops. But after divorce, as per the Hindu Marriage Act and other policy, the wives are entitled for the maintenance in spite of the fact till the time they get remarried or something employed. So then at the time, Professor Upendra Bakshi and some other academicians, they brought a letter to the President of India. The delegation went to the President, they gave the submission, and that submission was accepted. So the answer to your query is very simple. We may not say that what we are doing research may be accepted. Yes, but it may be utilized. If you are publishing it, if another student may be reading, that may be another way of research on the basis of your research. So research never stops anytime. Right. What you have done is a good way of that. That it may initiate another research on the basis of that. Right. It may initiate a process of classification. It may recommend some way of suggestions. It may suggest some of the shortcomings. You know? So tomorrow you'll be finding some amendments. But no guarantees. So what is that? For the researcher, academicians, you have to be true to yourself, do your part of job, let it be for the policy maker.
even you as a researcher, I as a researcher never expect. Ideally, they don't expect that. Even when the judiciary is recommending, this is not going as per the recommendation. So if you see the separation of power, doctrine of separation of power, you will see the judiciary can recommend, may not dictate. When the judiciary can't do that, how the researcher can? Advisory, yes. It's only the case of advisory. That's why the judiciary, if recommends something, sometime legislature, so, but sometimes you may be finding judiciary decides something, legislature is coming with another exception. Very recently, probably they are doing something at the level of parliament to overcome the some of the judicial questions. So that is another way. How okay is that is a different mechanism. So as a researcher, we need to perform our job and leave it to the rest of the others. So analytical report is something, but ideally you will be finding, particularly in case of all these scenarios that you will be finding, it's a kind of mix, descriptive and analytical report. A report is being written, some part is in descriptive, where you are analyzing a legal position, you are analyzing judicial preposition. And then you are also doing some questionnaire or survey and other things. And on the basis of both of them, then your outcome for the finding. So, all these days generally it's a trend in academia, it's nothing pure academic, not pure empirical, not pure doctrine, particularly in this one. Yeah, so let me come to that. Yes, structure of legal research. How to write a legal research in that is something, what may be the different parts of legal research. Ideally, we can say there are three parts in case of legal research. But first is a reading me. That first, when the chapters, before the starting of chapter, title page, cover page, acknowledgement, brief days or forward, depending you are writing a book or you are doing a project. Certificates, generally certificates are being provided. In case of thesis, being signed by the supervisor. Table of cases, list of abbreviation, list of tables or figures, data if you would have used, and table of content. Table of content, ideally that is index capitalization that ideally we need to have. So this is a modern way of writing, preparing a report. So away that we haven't started the report at all. This is only preliminary part. Even only the last part, that is content, that shows the chapterization, heading, subheading, but not the chapter at all. Any question? I hope that is fine. You must be familiar with that. Yes. Maybe one or two missing, I may miss it, or you may have missed. But once again, there is no set rules. Ideally, these are the notes that we follow. But usme bhi aap dekhenge kabhi kabhi thoda sa swiping ho sakta hai. But this is the idea, but generally we follow even in case of thesis writing. So I'm using only the thesis, not the dissertation and other things. But considering that you being on the faculty, so sooner or later you may be. So let me ask very simple questions. How many of you are doing PhD? Or who have done completely? I'm pursuing. You are pursuing? So where are you pursuing? Geeta University, Panipat. Achha, Geeta. Oh, yeah. And you are also? Sir, I have applied to IIT University. I have waited for the result. I have got through Banastati University, yeah. And then I have applied to RLW Lucknow. So I'm waiting for the result. And what about the other? Sir, this time I'm applying for the same. Same? Same one, then as if repeating the same. Okay, anyhow, and what about you, ma'am? I am also pursuing PhD.
pursuing with PhD where? From Bhopal. Okay, that's good. So definitely you must have come across all this. And what we are discussing definitely is the domain of the research. Yes. So this is really, so what I advise, because you have to stay in academics, what I consider. Yes. So if you have to be in academics, definitely doctorate is something that everybody needs to have. Wherever you got the opportunity, you have it. But having an opportunity is one thing. So does it matter from which? Yes, it matters. It matters, but when you are, I just want to say that if I am not getting an opportunity in very premier institution, getting in second class, better to have that. Because there is no, we may not ensure that next time even I may get in the premier class. Because competition is multifold, right. Increasing every day. And in case we use law IP, I being the in charge of PhD program for the number of 10 years almost, I'm finding multiple applications around. So it's very good and very tough competition. So you never know, you may be very capable, but because of too many issues are there, sometimes laws are not available. I'm undermining anyone. Because sometimes that a particular, like in my area's constitution, I have applied only two slots. So if the two slots are being filled by first five, you may be 8th or 10th, may not be getting an opportunity. Because my thoughts are unknown. So there are too many issues involved in case of having an opportunity. So it is nowhere we are judging that anyone is capable or not capable. Nothing like that. Too many things are, too many aspects. That's why I said, better wherever you got an opportunity, better have it. But yes, your question remains the same. Yes, but if you are getting it from a premium, definitely given as a couple. It says that when you go to, I suppose you have done it from DU, so that's the college we are aspiring for. It says the number of people like you we get to meet. We might not get that for any non-premium college. Maybe by luck you will have some conferences where you get to meet people and interact with them. But having your guide, somebody who has known research and has done it and knows how to get around it, and especially when you want to excel in academics and research, you get a upper hand in such institutions. See, it's always, not only in academy, even in your education and profession, yes, sir. If your family background, you always have an answer. Right. See, it's, we may be fortunate. That if we know someone, some of our relative, friend, family, someone is sitting there, definitely. Right. Then you will have a lot of guidance. Hmm. Anytime you can call, him or her. Right. Yes, you sir, ma'am, whatever that, you please tell me, I'm not getting you, I'm not confused, so and so. Hmm. But if you don't have an access, definitely that stops that, something. That's... But means if you not, may not have a relative, friend or some more, definitely that window closes there. It is not only the something that it is only the window. You may have your own colleagues. You may have your own at the level of even IB. We are sitting there. Right. Like as I already stated, from 2015 onwards, something I'm taking care as in charge of PhD program. So not only to you, even any student is coming. Right. I being in charge, if anybody is coming, whether he or she is worth or getting it or not is a different. Right. First, what are the information? Right. Then the criteria will decide at the time of when you are performing. Right. So, but I will not ensure you and can assure you that everybody will give an opportunity. Mm-hmm. And even you may find people are very much occupied in too many aspects and too many activities. Right. So sometimes we are not able. People are coming and approaching, waiting for that. But I may be busy in different meetings with different. So that's a different, that's a part and parcel of our aspects of involvement. Right. Because at the same time, sometimes we are even, it's very basic situation at our level, if I let me show. Sometimes we have to have that two places at the same time. This, I'm sitting in a. At danger of not only the health issues, then there are the. Have you finalized it also? Yes, sir. Yeah. Okay, you are enrolled. You are enrolled, you are doing no.
ideally, I will suggest you one way. Rather than being mixed straight, you will see, particularly in case of prostitution, first thing that whether it need to be legalized or not, that is one question. Right. Second, which is the most serious aspect of this problem is that the human right violation of these people, sex workers and the children. Even going in that aspect, you will think too much. Right. Ideally, do they have the opportunity for education? Do they have the other facilitation? Whether the labor law apply to them? Are they workmen? Or do they have the, any kind of facilitation? Medical and other kind? Nothing. Do they have any kind of guarantee? There are too many lapses. Right. See, first thing is that whether it need to be legalized or not, that is one. But then once again, we will come in the same. What is the truth of the society? It is still existing and it exists from the ancient time. Right. If you go to the historical perspective, you will find it. Yes, sir. There. It's the oldest in history. Right. So, in spite of all these things, it is facilitation is not being provided. Kind of facilitation and kind of opportunity even to the children of these people. Need medical facilities, notably. Particularly, it's a very pathetic situation. Right. And it's a very alarming situation. Right. You will see the human rights violation, this is a grave concern. Right. So, whether we legalize or not, that's a big issue. Which, ideally, if frankly speaking, if, from Indian perspective, you see, it is not going to happen. Right. It is not going to happen. Right. So, what is the way how to deal with the situation? Right. How we can overcome? At least we can recognize them as a workman. Can we apply the labor law policy to them? Is there any kind of second thought of that? No. They need to have asked when an unorganized labor class is enjoying all the application of the labor law, why they are. If even limited aspect of that period applied to them, the situation definitely will change. And that question will remain, like a right to die. Whether we need to have right to die or not, there is always a debate. Same-sex marriage is another aspect. So all these things, ideally the Indian society is not up to the extent that we can. As a researcher, we may say, we may realize, we do. But so what I am advising you, particularly if you have to do, try to have that perspective and do a good research. You will find it, the kind of human right violation that is happening. That will be a very alarming. And if we can suggest something, if something can be done for them for the purpose of protecting the human right violation of these people. Ideally, you will be finding that even medical facilities are not available after a particular age. By the time they are in the profession, they can have some facilitation. But after some year, no one takes care of that, even state is owned. So someone has to take care of it. It is a state responsibility. If we are allowing this thing to happen, which is happening in every part of the world, including India, then we have to do something. It is not something that it is happening first time. It is existing from the recent time and still we are continuing. So, you can think over that from the perspective that I hope you will be finding it better. Otherwise, state me job with whom? State me, you can do the research, output may get. But it may not serve any purpose to the society. Because listen, listen, you're not going to listen to you. Yes. Even in the normal circumstances, they will not listen. So, we try to be effective. We try to be more practical. Yes, that's what I try to do. So, that is only my suggestion, but ultimately it is your take that how you will be moving on that. Yes, okay, will there be any kind of break? There will be a tea break, sir. Yeah. Okay, can we just have a break? Yes. And then we will initiate the remaining one.